Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing questions of JEE Advanced 2020, and let us see the another question. This question is given for function as well as for area. Let the function f r to r and g also defined from real number to real number. Fx is defined like this and gx is defined like this. The area of the region in the first quadrant bounded by the curve y is equal to fx and y is equal to gx. First of all, we have to define the function, that what is the function fx, because there is a modulus. So we have to take care of modulus first, and accordingly we have to define this. So case first, modulus ke andar ke x minus 1 greater than 0, yani modulus ke andar ki cheez positive hai, case first. तो यानी अर्थात x इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 बाहर आके क्या रहेगा, x माइनस 1 ही रहेगा. तो ऐसी स्थिति में fx क्या हो जाएगा, fx है e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस, और मॉड ऑफ x माइनस 1 बाहर आके क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 ही रहेगा. तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस 1, e टू दी पावर माइनस साइन पहले से है ना, और x माइनस 1 बाहर आके x माइनस 1 ही रहेगा. तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस x, ये भी हो जाएगा 1 माइनस x. तो x माइनस 1 और 1 माइनस x, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा कितना, कि इसको लिख सकते हैं हम e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर 1 माइनस x, लाइक दैट. तो ये एक फंक्शन हो गया. दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू केस टू, केस टू अगर ये लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स केस टू, कि मॉड ऑफ एक्स केस टू व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, तो इसमें क्या होगा, किसका मतलब हुआ, एक्स इज लेस देन वन, देन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, है ना. अंदर की चीज़ निगेटिव हो तो बाहर आके निगेटिव हो जाता है. तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फंक्शन, फंक्शन हो जाएगा ये e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस ऑफ x माइनस 1. अब ये बाहर आके निगेटिव होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 विल बिकम प्लस x माइनस 1. तो ये x माइनस 1, अभी दोनों चीज़ें सेम है तो कट के क्या हो गया, जीरो. यानी x जब 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू जीरो है, और x जब 1 से बड़ा है या बराबर है तब ये वैल्यू है कितनी, ये है, ठीक है. अब इसको हम देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह का हुआ. तो पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमने पूरा डिफाइन कर लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जब एक्स क्या है, लेस देन वन है, और एफ एक्स इज इक्वल टू है ई टू दी पावर एक्स माइनस वन माइनस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है. इसका कब ग्राफ कैसे बनेगा, तो अभी पहले जी एक्स को भी थोड़ा देख ले. और जी एक्स फंक्शन है हमारा, क्या है जी एक्स, जी एक्स फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, ये लिखा है अ हाफ ऑफ एक्स माइनस वन एंड वन माइनस एक्स, हाफ ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ ई टू दी पावर, देखिए ध्यान से एक बार फिर से, e टू दी पावर x माइनस वन यहाँ पे लिखा है एंड वन माइनस एक्स, बीच में प्लस साइन है. अभी कर्व कैसा बनेगा, चूँकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है तो हम ग्राफ को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित रखेंगे, और हमने ग्राफ को बनाने का फैसला किया किस तरह का ग्राफ लेते हैं जो x एक्सिस में हो. ये है y एक्सिस, है ना, तो ये हो गया y और ये हो गया x, ये है जीरो. अब जरा देखें एफ एक्स को, पहले हम ट्राई करते हैं कि एफ एक्स का कर्व कैसा बनेगा. तो जब एक्स वन या उससे बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू ये हो रही है, और वन से कम होने पर क्या है, जीरो. तो ये अगर पॉइंट वन है मान लीजिए, तो यहाँ तक एफ एक्स की वैल्यू जीरो ही है, यानी वाई जीरो है, और वन से ज़्यादा होने पर क्या होगा, अगर वन रखते हैं तो क्या मिलेगा, वन पर वैल्यू क्या मिलेगी, इसमें ये डिफाइंड होगा वन माइनस वन जीरो, e टू दी पावर जीरो वन, और वन माइनस वन जीरो, यानी ये भी होगा e टू दी पावर जीरो वन, तो वन माइनस वन जीरो, यानी वन पे भी वैल्यू जीरो ही है, कुछ और नहीं है,
यानी ये कर्व कुल मिला जुला के ऐसा होगा कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होगा, बस है ना, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा जीरो से वन तक। वन से ज़्यादा रखने पर क्या होगा, वन से अगर टू रख लेते हैं तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, फॉर एक्स इज इक्वल टू टू, समझिए एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू माइनस वन यानी वन ई टू द पावर वन दैट इज ई माइनस वन माइनस टू, वन माइनस टू कितना हो गया माइनस वन, ई टू द पावर माइनस वन यानी वन बाई ई। तो ये वैल्यू हो गई, ये 2.718 होता है लगभग, और ये हो गया कितना 1 बाई ई, ये हो जाएगा लगभग 0.3, तो 2.7 यानी ये 2 से थोड़ी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये वैल्यू 1 से 2 की ओर जाएगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये इंक्रीज होगा, ऐसे कर्व होगा, ठीक है, इस तरह का कर्व होगा, ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वैल्यू हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी क्योंकि ये निगेटिव है, तो ये कर्व बढ़ेगा। अब जी एक्स की हम बात करते हैं, यानी ये कर्व कुछ इस तरह का होगा यहाँ से यहाँ तक। अब जी एक्स की बात करते हैं, तो जी एक्स क्या होगा, फॉर जी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या वैल्यू होगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर जी एक्स, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू जी एक्स है ना, यानी जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू जीरो माइनस वन यानी वन बाई ई, और यहाँ पे वन माइनस जीरो दैट इज ई, ई प्लस वन बाई ई यानी ई की वैल्यू 2.718 होती है, और ये 0.3 यानी लगभग 3 के आसपास, 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 के आसपास कहीं होगा, तो ये हो गया 1.5 के आसपास लगभग, यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ तक 1 होगा, ये 1.5 हो गया, यहाँ से ये शुरू होगा। अब 1 पे वैल्यू कितनी होगी जरा ये देख लें, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 जी एक्स कितना हो जाएगा, यानी जी एक्स का मतलब वाई इज इक्वल टू जी एक्स, तो वाई इज इक्वल टू जी एक्स है, वाई कितना हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू जी एक्स, मतलब वाई की वैल्यू होगी कितनी 1 रखने पे, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 यानी यहाँ पर ई टू द पावर 0 1 और ये भी ई टू द पावर 0 1, तो ये 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, यानी 1 पे वैल्यू लगभग 1 होगी, 1 अगर यहाँ पे है समझ लीजिए तो ये 1 होगी वैल्यू। इसका मतलब है कि ये वैल्यू लगातार डिक्रीज होगा, ये वैल्यू लगातार डिक्रीज होगा और 1 पे वैल्यू आकर के ये कम होगी। 1 से ज़्यादा होने पर क्या होगा, अब ये भी चेक कर लेते हैं, जैसे 2 रख लें तो एट एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 1, एंड एक्स इज इक्वल टू 2 पे वाई इज इक्वल टू जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 रखने पे, ये होगा 1 बाई 2 ई टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 1 बाई ई ई टू द पावर माइनस 1, और यहाँ 2 माइनस 1 इज 1 बाई ई टू द पावर माइनस 1 ई, और ये हो गया ई, ई प्लस 1 बाई ई फिर हो गया यही, यानी जहाँ से ये आया था यही वैल्यू हो गई जो एक्स में 0 पे था, तो ये वैल्यू फिर उसी लेवल पे चला जाएगा 2 पे। तो अब हम ये देखेंगे कि दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यानी ये फिर इधर आ जाएगा जिस लेवल पे आया था वही वैल्यू हो जाएगी। क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किस वैल्यू पे कर रहे हैं ये देखना होगा। दोनों के टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इंटरसेक्शन, तो कर्व को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स ये एक्स इज इक्वल टू 1 से बड़े वाले वैल्यू पे होगी, यानी 1 बाई 2 ई टू दी पावर, जी एक्स की वैल्यू क्या है ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, और एफ एक्स क्या है 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा ही पे कट कर रहा है, तो एफ एक्स 1 से बड़ा के लिए है, एफ एक्स ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, एफ एक्स की वैल्यू है कितनी, तो एक्स माइनस 1 ये है एफ एक्स की वैल्यू ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर क्या है ये देखिए ये है 1 माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस 2 ई टू दी पावर 1 माइनस
ई टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब ये इधर आके प्लस हो गया तो 3 ई टू द पावर 1 माइनस एक्स, और ये इधर आके माइनस हो गया तो ई टू द पावर एक्स माइनस 1। सो इसको आप लिख सकते हैं 3 ई टू द पावर 1 माइनस एक्स, इधर आके क्या हो जाएगा ये भी, ये उधर जा करके 1 माइनस एक्स, उधर भी जाके एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 एक और चला जाएगा उधर, इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, देयर फोर ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3, और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 3 टू द बेस ई, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ रूट 3 टू द बेस ई। रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग ऑफ ई 3 का पावर 1 बाई 2, और 1 बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 बाई 2 लॉग ऑफ 3 टू द बेस ई। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना, कुछ पॉजिटिव होगी, और कुछ पॉजिटिव होगी 1 बाई 2 से प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अभी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे एग्जैक्टली वी डोंट नो, बट ये इंटरसेक्ट करेंगे, और इस वैल्यू को हम मान लेते हैं कि क्या है, ये कहीं जा कर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व, ठीक है, और इस वैल्यू को हम मान लेते हैं कोई अल्फा, ये वैल्यू आई है एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू ये आया है, इसको अल्फा से अल्फा मान लेते हैं, तो ये चाहे के से मान लेते हैं, के मान लिया इसको, इस वैल्यू को हम मान लेते हैं के, कुछ कॉन्स्टेंट है जो वैल्यू होगी, कुछ कॉन्स्टेंट ये मान लिया। तो अब ये हो गया के, एक से ज़्यादा होगा, तो इस के पे जाकर के दोनों ही कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, सो यहाँ पे हो गया, इसको हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू के, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वैल्यू हम मान लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया के, एक्स इज इक्वल टू के पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू k हो गई और y की वैल्यू क्या होगी, तो वो आप जी एक्स से भी निकाल सकते हैं और एफ एक्स से भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा जी के चाहे एफ के, जो भी है ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, है ना, इस पॉइंट का, ये पॉइंट मान लेते हैं P है, ये पॉइंट मान लेते हैं M है। अब हमें एरिया निकालनी है कौन सी, तो एरिया जो हमें निकालनी है वो इस दोनों ही कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है, ठीक है। सो ये एरिया निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो है वन तक, ये वन तक क्या है, वन तक ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, इस कर्व के अलॉन्ग निकालें यहाँ से एरिया, इसको दो भागों में बांट देते हैं कि वन तक का एरिया ऐसे निकाल लें इस कर्व का और एक्स एक्सिस के बीच का, और यहाँ से ये वाला जो सेगमेंट है इसका एरिया निकालने के लिए, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला एरिया ऊपर वाले कर्व के एरिया में से नीचे वाला एरिया घटाना पड़ेगा, है ना। तो ये एरिया निकालने के लिए एक अलग लेते हैं, इसका एरिया ए वन और इसका एरिया ए टू मान लेते हैं, तो ये हो गया एरिया ए वन और ये एरिया ए टू। तो एरिया ए वन निकालने के लिए ये कर्व कौन सा है, ये है वाई इज इक्वल टू जी एक्स का, और ये कर्व कौन सा है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो यहाँ से एरिया निकालने के लिए इस वन तक हम निकालेंगे सिर्फ जी एक्स का, यानी एरिया ऑफ द रीजन, सो रिक्वायर्ड एरिया इज, देयर फोर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू जीरो टू कितना वन जी एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस वन टू के किसमें जी एक्स माइनस एफ एक्स, जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया, है ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, वन से के तक ये ऊपर वाला जी एक्स नीचे वाला एफ एक्स, जी एक्स निकालोगे तो ये पूरा निकलेगा एक्स एक्सिस के अलावा, और एफ एक्स निकालोगे तो ये निकलेगा, ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। यानी अब ये हमें रखना है यहाँ पे पहला जी एक्स का, तो जी एक्स का कैसे निकालेंगे, जीरो से वन तक, जी एक्स क्या है वन बाई टू ई टू दी पावर, जी एक्स की वैल्यू कितनी है e टू दी पावर x माइनस वन प्लस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स, ई टू दी पावर x माइनस वन प्लस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स, और इस पूरे का डी एक्स प्लस वन से k तक जी एक्स यही वन बाई टू ई टू दी पावर x माइनस वन प्लस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स, और माइनस एफ एक्स कितना x ग्रेटर देन वन के लिए, यह है एफ एक्स कितना है
तो एफ एक्स है एक्स ग्रेटर देन ई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस ई टू द पावर वन माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस, अब इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, और क्या है वन माइनस एक्स ई टू द पावर वन माइनस एक्स, ई टू द पावर वन माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया वन बाई टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर एक्स माइनस वन, और ई टू द पावर वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन। तो इस माइनस वन के डिवाइड होने से यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, और ये साइन चेंज हो गया, और कहाँ से कहाँ तक ये है, ये है जीरो से, और यहाँ से मिला आपका वन वन टू के वन टू के, ये देखिए हाफ एक्स माइनस वन यहाँ भी है एक्स माइनस वन यहाँ भी है, तो ये हाफ में से वन जाएगा माइनस हाफ वन टू के, और ये हो जाएगा माइनस हाफ कितना ई टू द पावर एक्स माइनस वन, यहाँ से ये हाफ और यहाँ से वन मिलके क्या हो जाएगा थ्री बाई टू ई टू द पावर वन माइनस एक्स ये डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखें यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे वन तो ये हो जाएगा ई टू द पावर जीरो यानी वन, ये भी ई टू द पावर जीरो वन, तो वन माइनस वन जीरो, ये हो जाएगा जीरो माइनस, अब फिर रखेंगे जब जीरो तो यहाँ से ई टू द पावर माइनस वन यानी वन बाई, और यहाँ से ई टू द पावर वन दैट इज ई, ये मिलेगा प्लस। यहाँ पे अब क्या मिलेगा ई टू द पावर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे ई टू द पावर एक्स माइनस वन, कहाँ से कहाँ तक वन से के तक, ये हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस आप लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस साइन रह जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं वन बाई टू। अब ये प्लस साइन है यहाँ पे, यहाँ पे थ्री बाई टू ई टू द पावर वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस, तो उस माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये भी हो जाएगा माइनस, है ना, और ये कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया वन से के तक। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं e टू द पावर, ये माइनस का मान लेंगे तो e माइनस वन बाई ई हो गया जीरो, और यहाँ पे मिल गया वन बाई टू ई टू द पावर क्या हो जाएगा x माइनस वन, एक्स माइनस वन कितना है ये k माइनस वन हो गया e टू द पावर k माइनस वन, और e टू द पावर जीरो यानी वन ये आएगा, फिर यहाँ पे आएगा थ्री बाई टू ई टू द पावर वन माइनस के, और माइनस e टू द पावर जीरो दैट इज वन ये आएगा। अब यहाँ से आप ध्यान दें देखें कि अगर एक्स के बराबर हमने मान लिया है, एक्स को क्या माना है k, तो यहाँ पर एक्स को k रख देते हैं तो k माइनस वन के बदले रूट थ्री लिख सकते हैं, और वन माइनस के बदले उल्टा हो जाएगा निगेटिव पावर आएगा तो वन बाई रूट थ्री हो जाएगा, तो e टू द पावर k माइनस वन के बदले रूट थ्री रख सकते हैं, तो यहाँ पे e टू द पावर k माइनस वन के बदले आप रख सकते हैं रूट थ्री, तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन, और यहाँ पे इसके बदले रख सकते हैं वन बाई रूट थ्री माइनस वन। सो वॉट विल हैपन, अब इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा वन बाई टू ई टू द पावर वन बाई ई माइनस, कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू माइनस माइनस प्लस वन बाई टू माइनस, ये भी रूट थ्री से ही कट गया तो रूट थ्री बाई टू, और माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री, ठीक है ना, और थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू फोर बाई टू दैट इज टू, तो ये हो गया माइनस रूट थ्री प्लस टू, ये आंसर आ गया इस तरह का कुछ, ठीक है ना, दैट इज दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ई माइनस वन बाई ई प्लस टू माइनस रूट थ्री, ये कह सकते हैं ये आंसर होगा। ऐसा कोई ऑप्शन में आंसर है देखे तो, हाफ ऑफ ई माइनस वन बाई ई, ई माइनस वन बाई ई टू माइनस रूट थ्री, ये पहला ही आंसर है टू माइनस रूट थ्री, ध्यान से देखें टू माइनस रूट थ्री आ रहा है, और हाफ ऑफ ई माइनस वन बाई ई, हाफ ऑफ ई माइनस वन बाई ई दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, सो आंसर इज फर्स्ट, ये आंसर हो गया, एंड देयर फोर आंसर इज ए, आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या है ए है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बट स्टिल हमने जानबूझ के थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन किया ताकि लर्नर्स को आसानी से समझ में आए, हमको एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं कि जल्दी जल्दी लिखते हैं स्टेप छोड़ छोड़ के, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा लंबा समय लगा और थोड़ा बेहतर तरीके से समझा पाए, इसलिए आपको फिर भी अगर कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें,
और चैनल को देखते रहें, ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।